टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। जय हिंद भैया, क्या हाल है? बहुत दिन बाद वापसी हुई है, बहुत दिन बाद आए, क्या हाल है भैया लेके? और आज हम ऐसा प्रोग्राम करने वाले हैं देश के ऊपर। ऐसा भैया, चीन और चाइना, ये बार बार जो चीनी हैं ये बार बार आंख दिखा रहे हैं, ना पीछे हट रहे हैं ना हम हटन दे रहे हैं, आखिर चाह क्या रहे हैं? अब याई की पतो करने हम आए जो फौजी इनको गाँव है, क्योंकि फौजी भैया सबसे ज़्यादा जाने हैं देश के बारे में, वही रहे बॉर्डर पर और वही हर स्थिति से वाकिफ़ हैं। तो आज पुल्ली भटोना गांव है, भटोना गांव को नाम है, और यहाँ में हर घर में फौजी है। आज यह गांव में पता करने आए हैं और पता करेंगे कि आखिर चाइना को क्या इलाज है, कैसे माने वही चाइना और कैसे पीछे हटे को, क्योंकि अब बहुत दिन से बात चल रही है लगातार, अब तो कई महीना गुजर गए और लगातार कभी कुछ गुस्सा दिखावे है, कभी आँख दिखावे है, कभी युद्ध की धमकी दे, लेकिन इस बार हमारे देश ने भी हमारे फौजी भी अड़ गए भैया, साफ कह दिए कि अब क्या आर पार की होएगी, अब क्या तो चाइना में ही हमारा झंडा गड़ा है, को ध्यान रखियो का तई पक्को। और पता करेंगे आज भटोना गांव के फौजी के परिवार थे कहाँ के हमें ये यही बताएंगे असली कहानी, और ट्रैक्टर पे जा रहे हैं पता करने। ठीक है, चल दो। तो भैया हम पहुंच गए अब फौजीन के गांव भटोना, कुल्ली भटोना गांव का नाम है, बुलंदशहर में ही पड़ा है। और आप पीछे देख सको, यहाँ पूरी जो है पंचायत है, सभा जुड़ी हुई है, हुक्का लगा हुआ है और बड़े बूढ़े भी बैठे हैं, ये फौजीन के परिवार थे और युवा भी बैठे हुए हैं। आज हम यहाँ पता करेंगे कि भैया जो चाइना बार बार आँख दिखा रहा हो और चाइना ये गुस्सा दिखा रहा हो हिंदुस्तान है और धमकी दे रहा हो युद्ध की, तो जो फौजीन के परिवार हैं और जो आम आदमी हैं वे कहाँ सोचे हैं चाइना के बारे में, आओ पता करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हवलदार लोकेंद्र कुमार, पूर्व फौजी। अच्छा, आप पूर्व फौजी भी हैं तो आपको जानकारी भी ज़्यादा होगी, क्या इलाज है चाइना का जी, क्या करना चाहिए? चाइना का इलाज, सेना तो हमारी सीमा पर डटी हुई है ही, जो भी लोग हमारे गांव में रह रहे हैं, सबसे ताकतवर देश की आर्थिक स्थिति सबसे ताकतवर है, हम पाकिस्तान हो या चाइना हो, चाइना से आने वाला सभी सामान जो भारत में आ रहा हम उसका बहिष्कार करें और उसकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करें, और अपने ही देश के अंदर जो हमारे खिलौने हैं या और जो भी हम पाकिस्तान से ले रहे हैं उसे चाइना से ना ले कर अपने भारत में ही उसे हमारी सरकार उसका जो फैक्ट्रियां बनाव जिससे हम चाइना से किसी भी प्रकार का कोई संबंध ना रख पाएँ, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति ख़राब होए, हमारी तरफ से गए हुए पैसे जो वो उसे सेना के ऊपर खर्च करता है और सेना को मजबूती देता है और हथियार खरीदता है जिससे हमारे ही फौजियों को वो डराता है। तो अब तो बैन कर दिए, पबजी भी बैन है, अब तो ज़्यादातर गेम बैन कर दिए, चाइनीज ऐप बैन करी हैं और चाइनीज प्रोडक्ट पर भी रोक लगाई गई है, फ़ायदा होगा इसका कुछ? देखो, इसका फ़ायदा ये होगा, अभी आपने टीवी पर कुछ दिन पहले देखा होगा कि दिल्ली में बैठा हुआ एक नागरिक जो चाइना का एजेंट था, जो हमारे अंदर के ही जो दुश्मन है सब उनको भी हमें खंगालना पड़ेगा, हमारी जो एजेंसियां हैं वे ऐसे लोगों को पकड़े जो हमारे देश की खबर चाइना को दे रहे हैं या फिर नॉर्मली किसी पड़ोसी दूसरे देश पाकिस्तान को दे रहे हैं, हमारी इस पे भी हमें देश को काम करना पड़ेगा, जो हमारे देश के अंदर ही लोग हैं हमारे देश में गद्दारी कर रहे हैं और खबर जो चाइना को दे रहे हैं। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा दिल्ली में वो खबर आई थी और अभी वो हिरासत में एजेंट उसको दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी करवा गया। आप एक पूर्व फौजी भी हैं तो उस समय जब बॉर्डर पे हो आप और युद्ध के हालात बन रहे हो तो उस समय एक फौजी के दिमाग में क्या चीज़ चलती रहे उस समय? भैया, लड़ाई करना तो किसी भी देश को हानिकारक ही है, जब तक भी समझौते से बात चल जाए, बात आपस में दोनों सेनाएं बैठ के बात करें या दोनों देश के नेताएं बैठ के बात करें वही ज़्यादा बेहतर है, अन्यथा लड़ने के लिए हमारा देश बिल्कुल सक्षम है, हमारी सीमा पे हमारी सेना बिल्कुल अलर्ट है और अंदर देश के रहने वाले पूर्व फौजी या देश में किसान या और जो लोग जवान अवस्था में उनमें भी आक्रोश इस चीज़ का कि हमारे देशों पाकिस्तान चीन हमारे देश को कब तक डराता रहेगा, 62 को ध्यान रखें, चीन के 62 है ये भैया 2020 है
और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत पावरफुल देश है। हम जो नाना प्रकार के हथियार भी खरीद रहे हैं, एक विमान था भी हमारे रक्षा मंत्री ने अभी लेके आए हैं जो जिससे चीन पूरा डरा हुआ, राफेल है। पर लड़ाई करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बैठ के अगर शांति से समाधान करें वही ज़्यादा बेहतर है। और भी भैया और पता करेंगे, आपका क्या नाम है जी? कपिल कुमार। कपिल जी आप क्या कहना चाहो, क्या इलाज है चाइना का? खेल चाइना का इलाज है, चाइना का इलाज होने वाला है अभी। जैसे वहाँ पे अभी चाइना में अदर कंट्री की जो फैक्ट्रियाँ पूरी बंद हो रही हैं वो हमारे इंडिया के अंदर आ रही हैं। 1000 फैक्ट्रियाँ भी यूपी के अंदर आने वाली हैं। उससे ही चीन चिढ़ा हुआ आ जाता है, वही जब तभी वो उल्टी पुलटी हरकत कर रहा है, वो आ जाएंगे तो फिर ठंडा पड़ जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद में हम काफ़ी हथियार भी खरीद रहे हैं अभी। और इस बार इलाज कर देंगे, चाइना को हरा लेंगे हम। बिल्कुल हरा देंगे इस बार। ये 2020 है, ये 62 का वो नहीं है इंडिया। और भैया, भैया आपका क्या नाम है जी? नवीन कुमार। नवीन जी क्या कहना चाहो, इंडिया चाइना लगातार बॉर्डर पे सैनिक दोनों तरफ से डटे हुए हैं, युद्ध की पूरी स्थिति है। जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चाइना के हर चीज़ का बहिष्कार किया जाए और अपने देश की आर्थिक मजबूत व्यवस्था उसको मजबूत किया जाए। कैसा हल करेंगे चाइना का इस बार? घसीट घसीट के मारेंगे। हम भारतवासी हैं जी, डरते किसी से नहीं हैं। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार। सोनू जी आप क्या कहना चाहो चाइना के बारे में? बस मैं तो यही कहूँगा कि अब जो पहला वाला जो भारत है वो ये नहीं है, 2020 का भारत है। तो अब की बार जो भी करे वो सोच समझ के कदम उठाए, अब की बार कुछ ना कुछ करेंगे। अब की बार झंडा जो पार ही गड़ेगा। हाँ। आपका क्या नाम है साहब? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी आप क्या कहना चाहो, चाइना लगातार बहुत लंबे समय हो गया उसके बाद उसके हौसले बुलंद रहे और अब फिर दोबारा से धोखे की जो उसकी धोखा है वो बार बार धोखा देता है हिंदुस्तान को, अब तो उसने हमारे जो पड़ोसी हैं उनको भी कहीं ना कहीं उकसाया है, तो क्या कहना चाह रहे हो उस पर? देखो जैसे पड़ोसी देश है नेपाल है पाकिस्तान है, ये तो एक होड कर रहे हैं केवल चीन के अंडर आके, होना तो कुछ नहीं। अगर चीन की बात करें, चीन धोखेबाज रहा है कभी से, लेकिन अब की बार जो मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है अब की बार वो धोखा खाने वाले नहीं है। और जैसे पिछले 5-7 साल में हमारी सेना मजबूत हुई है उसे देखते हुए भारत अब के बार खाने वाला नहीं है। और अब का झंडा वहीं फहराएगा जो इसने ये LEC पे जो अभी इन्होंने गदर किया है, पीछे इसे जवाब भी दिया है कि उसकी कितनी कैजुअल्टी होंगी वो आज तक बताई भी नहीं है, 100 हुई 200 हुई 50 जो भी हुई, लेकिन भारतीय जवानों ने भी उन्हें बिगर हथियार के भी ऐसा जवाब दे दिया है कि वो आज तक घबराया हुआ। और हमारे जो सैनिक हैं वो भाड़े के सैनिक नहीं हैं जैसे चीन के, और चीनी सेना में इतना खौफ है अगर भारत, वो कहते हैं अगर भारत के जवान, अगर जो भारत का जवान है उसके अगर हाथ आ गए तो वो तुम्हारी कमर भी तोड़ेगा और गर्दन भी तोड़ेगा आपके। अब कैसे नहीं कि पीछा छोड़ दे, गोली की जरूरत नहीं है वहाँ। भारत जवान इतना मजबूत है हर तरह से सक्षम है कि उनको बिगर हथियार के भी सेना पर सीमा पर मारे और वापस ही खदेड़ देगा। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर बहादुर सिंह है। तो क्या कहना चाहो चाइना के बारे में आप? मैं रिटायर फौजी हूँ। अच्छा, रिटायर फौजी भी हो? नायब सरदार। ऐसा है जी, मैं 62 से देख रहा हूँ। 62 में हमारी स्थिति जो भारत की बहुत कमज़ोर थी, और 62 के अंदर भी जहाँ ले है, ले के अंदर हमारे जवानों के पास पहनने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे जवान जो है इंडिया से उससे चाइना से पीछे नहीं हटे। एक एक आदमी ने 50-50 आदमी मारे, उनके पैर गल गए कि कुछ सामान नहीं था हमारे पास, सामग्री नहीं थी। और एक एक आदमी ने 50-50, 100-100 आदमी एक एक आदमी ने मारे। तो अभी तो हमारे देश की स्थिति मतलब चाइना के तरफ से हर एक क्षेत्र की सुविधा है, तो अब आप ही सोच लीजिए इस टाइम हम क्या करेंगे। अगर बिगर उसके जो हम 100-100 आदमी मार सकते तो भाई एक आदमी कितने आदमी को मारेगा? हम तो यही बार बार ये धोखा देता है, कितनी बार मान लीजिए एक आदमी बार बार धो दोगे, एक बार माफ़ कर दो, दो बार माफ़ कर दो, तीन बार माफ़ कर दो, कब तक माफ़ करते रहेंगे? हालांकि लड़ाई से जो है नुकसान है, हम तो ये सोचते बार ही पार हो जाना चाहिए। आप बहुत समय हो गया। अच्छा, बहुत समय देखते देखते हो गया, कब तक छुपते रहेंगे? हमारा तो यही है जी बस, बाकी हमारे हर तरह से हमारे देश बैठक तो लगातार चल रही है, कभी हमारे अरे बैठक तो चलती रहेंगी। और बैठक कर करके ये जब 62 में आया चाइना के प्रधानमंत्री, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, उनका तो हमारे कुछ देर दिया, कुछ एरिया भी हार लिया कि वो सोचे भाई ये तो हमारे साथ दगा नहीं करेगा,
वही हिस्ट्री अब है। अब तो हम मजबूत हैं, राफेल भी हमारे पास मजबूत है, जब भी तो है हम रात दिन वहाँ खड़े हैं, रात दिन खड़े हैं, आप तो नहीं बढ़ना देंगे अंदर। लेकिन बात तो यही है भाई भाई कब तक भाई भाई करते हुए रहेंगे, वो अब तक जवाब देना चाहिए। ताऊ साहब साहब कह रहे हैं हिंदी चीनी भाई भाई कह कह के क्या क्या कर दिया उन्होंने 1962 में, लेकिन इस बार ना तो धोखा खाएंगे और अब घर में घुस के मारेंगे इस बार। और भी हैं पता करेंगे, क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा एक सूबेदार विनोद कुमार। विनोद कुमार जी आप क्या कहना चाहो इंडिया चाइना वाला इस समय जो हालात चल रहे हैं लगातार बॉर्डर? इंडिया चाइना के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइना जितना भी धोखा कर रहा है अब तक कर लिया, आगे से नहीं सहन करेंगे यहाँ, क्योंकि हमारे जो जवान हैं इतने सक्षम हैं, सरकार सक्षम है, हर चीज़ आज पूरे विदेशों से ला के इतना वो कर दिया कि उनसे देखो अभी हमारा राफेल है उनके G20 से बहुत भारी है, तो किसी चीज़ में भी कोई नहीं है। और नई नई ये एसाल्ट राइफल ऐसी आ रही हैं कि बहुत अच्छी, तो हमारे जवान हर चीज़ में सक्षम है बिल्कुल ही उसकी भाषा। अभी आप देखा होगा कि जो पेंगोंग झील वगैरह उन पर ऊँची ऊँची पहाड़ियों पर हमारे जवानों ने अपना तिरंगा फहरा दिया, उसी चीज़ से वो डरा हुआ कि हम ऊपर हो गए वो नीचा होगा, तो उसकी हर चीज़ पे हमारी निगाहें हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो जैसा वो जवाब चाह रहा उस उसकी भाषा में ही जवाब देना उचित है। बहुत सह लिया, यहाँ परिवार भी दुखी रहता, वहाँ जवान ऐसी ऐसी कठिन परिस्थितियों में हैं कि जिसका कोई हमने देखा है वो चीज़। आप तो फौजी हैं पूर्व, तो आपको पता होगा किस तरह से एक फौजी जब युद्ध के हालात होते हैं उस समय रहता है वहाँ पर। जैसी जैसी जगह हमारे जवान रहे हैं, हम भी रहे हैं वहाँ, क्या है एक पानी की कीमत क्या क्या देख रहे हैं, पानी की कीमत इतनी है कि वहाँ पर मिट्टी के तेल की कीमत नहीं है, बर्फ़ पिघला पिघला करके क्या क्या देख रहे हैं वो करते हैं, खाने के लिए क्या क्या देख रहे हैं माइनस में टेम्परेचर रहता है, ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि खाना अगर रखें मतलब जैसा कहते हैं ना कि पशु ये मंचर है, ऐसा हो जाते हैं स्थिति वहाँ। जैसी परिस्थितियों में हमारे जवान वहाँ काम कर रहे हैं, हमारी BRO जो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी ऐसी जगह उसने सड़क बना दी है, चाइना उस चीज़ से ही घबरा रहा कि डायरेक्ट क्या कहते हैं अभी एक रोहतांग के पास एक टनल बनी है उसमें कम से कम भी 4 घंटे का रास्ता जो है सफल वो हो चुका, छोटा होगा 4 घंटे हम बाद पहुँचते, उसमें भी रोहतांग दर्रा जब क्रॉस करेंगे तो उसमें बर्फ़ मिल जाएगी। अभी जो पहले 6 महीने का हम एडवांस विंटर स्टॉक करते थे, 6 महीने पूरा रोड कटअप हो जाता था, अब उस टनल बनने से अभी 12 महीने हमारी सरकार ने वो काम किया है कि 12 महीने हम उस सड़क पर क्या कहते हैं हमारा पूरा यातायात या राशन हो या कपड़ा हो किसी चीज़ को भी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि जहाँ भी चाइना का बॉर्डर लगा हुआ। तो हमारी यही वो है कि अगर हम ये भी कह रहे हैं हमारे जवानों में गाँव में भी इतना वो है कि जो बुजुर्ग भी फौजी हैं हम भी हैं, अगर आज हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम भी क्या कहते हैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें अभी ये जज्बा है। आप भी जाने को तैयार हो? बिल्कुल हम तैयार बैठे हैं, लेकिन सरकार क्या करे इसकी जो है जल्दी से जल्दी इसका वो करने की कोशिश करे। बातचीत बहुत हो रही है रोज़, कभी कमांडर कभी ब्रिगेडियर स्तर की कभी कोर कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है, इनसे मानने वाला नहीं है वो, कभी तिब्बत में कब्जा करना शुरू कर देता कभी कहीं बातचीत कर रहा अपनी सेना को उधर बढ़ा रहा, तो ये चीज़ अब जो नहीं बहुत होनी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। भैया यू है जोश और वो बुजुर्गन में दिख रहा हो तो युवन में और ज़्यादा होगा, अगर लड़ाई होगी तो ये भी दोबारा जाने को तैयार है कि हम भी लड़ने को वहाँ तैयार हैं। और भी हैं तब, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम हरवीर सिंह। आप क्या कहना चाहो ये लगातार जो आप ये कहना चाहे ये बार बार धोखा दे रहा है, बार बार जो है हमारे सरकार में अकल नहीं आ रही, वो देशनसुब जा रहा है वहाँ इन चीज प्रचार कर रहा है, बार बार ये धोखा दे रहा है, बार बार धोखा दे रहा, कहाँ तक धोखा दिया जाएगा, कहाँ तक झूठ बोले जाएगा, तुम एक बार बताओ क्या इलाज करें इसका? फिर क्या इलाज है इसका? तो इलाज यही है हमारी कैजुअल्टी हो जाए, इनका रिजल्ट जो लड़ाई से निपटेगा। अच्छा इस बार फैसला हो जाना चाहिए? हाँ लड़ाई हो जानी चाहिए। भैया आप क्या कहना चाहो ये लगातार जो है चाइना आंख दिखा रहा हो, क्या आप क्या कहना चाहो? हम कहना चाहे कोलू में दे दो। अच्छा चाइना कोलू में दे दे, कोलू में दे दो, सीजन चल रहा है गांडे का। अच्छा सीजन चल रहा है। अब जो हालात है बॉर्डर पे लगातार
क्योंकि युद्ध की पूरी स्थिति है, हमारी भी सेना वहीं खड़ी है और उनकी भी सेना खड़ी है, कहने की देर है। तो देश के जो युवा हैं उनकी क्या सोच है, आप क्या कहो उस पे? इस बार हम पार रह जाएंगे? हम तो यूं गए हैं, सब भर के ले चलो ट्रोला में, पहले चीन ही देख लो गांड, एक बाद में काट लेंगे। भैया ये कह रहे हैं जो अपने जो ईख है ना या बाद में वो करेंगे, पहले वहीं ले चलो ट्रैक्टर ट्रॉली बैठा। ताऊ क्या नाम है आपका जी? भाई साहब या बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा हाँ, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, नौकरी में टेलीविजन देखता हूँ। हाँ इतनी तो इतनी कहनी चाहूँ मैं। जी जी बताओ। अब जो लड़ाई होती हो, हम तो ना फौजी, हम अनपढ़ आदमी है, खितड़ आदमी है, हम भी लड़ने को तैयार हैं। अच्छा हाँ, इतने दो चार चाइना के तो दाब ही लोगे? कतई दाब लेंगे जी। भैया साहब देख लो, ये हो जोश और देश में ये गुस्सा जो है चीन को लेकर लगातार बढ़ रहा है, और यहाँ के बुजुर्ग भी कह रहे हैं हम भी चल रहे हैं और दो चार ने तो हम भी दाब लेंगे चाइना के इन्होंने। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बबली। बबली जी आप क्या कहना चाहो इस पर? भाई हम तो सीधी सीधी कहना चाहते हैं, पाक ये जो चीन है ये सुधरने वाला नहीं है, बार 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 मीठी गोली देता रहे और अपना काम आगे को शुरू करता रहे। इसका तो यही इलाज है कि आर पार का सौदा, आर पार हो जाए, आर पार हो जाओ, ठंड जब ही कट जाएगा। अच्छा हाँ जी, इस बार लगे है कि हम तिरंगा उसके जमीन में गाड़। हम तो चीन है सुसरे आधे से ज्यादा तो अब भी खदेड़ने को तैयार हैं, बैठे बैठे यहीं सो। हमारी तो सेना को देखते नहीं भगे हैं, साले हाथ मत आजियो नहीं गर्दन तोड़ देंगे। भय इतनी हो रही है कि हमारी सेना को देखते नहीं भगने हैं साले। बार बार लड़ाई की दूसरे देशों में जाके बात कर रहे हैं, अपना अखबार एक चला में है, वो अखबार तो बार बार कहे हैं कि हम जो है लड़ाई ना चाह रहे लेकिन सेना भी ना हटा रहे हैं, और उसके बावजूद भी आंख दिखा रहे हैं। जी धोखेबाज है चीन है, धोखेबाज है, ये समझ रहा जैसे मैंने 62 में इस तरह का कब्जा कर लिया, अब कब्जे में ना आवे हिंदुस्तान। हाँ जी, अब तो आर पार का सौदा हो जाएगा और वाई में आकर फंद कट जाएगा। बस जी मैं तो इतनी। भैया क्या नाम है आपका जी? जी रिंकू कुमार। रिंकू भैया क्या कहना चाहो, क्योंकि अब तो आप तो युवा भी हो, पबजी बैन है गई, चाइना की सगरी ऐप बैन है गई, ठीक हो ये? यू भैया बहुत बढ़िया हुआ है, और कभी तो कोरोना भेज दे, हमारी गंगा जी छुटवा दे, कोई मेला दशहरा कुछ नहीं लगवा रहा। अच्छा। कोरोना भेज दिया, खत्म कर दो बिल्कुल ही, यहाँ सूबी जो सूब सिविल सूबी बंदे ने भेज भेज के कटवाओ। अच्छा यहाँ से भी लोग जाएंगे? यहाँ से भी डाक भिजवाओ, जो मोदी जी से कह दो कि यहाँ से भिजवा कर कटवाओ सिविल वाले सूबी। बस ये कुल मिला के ये होगा चाइना को इलाज होना चाहिए, इलाज होना चाहिए जी बिल्कुल, ये बार बार की लड़ाई नहीं, कतई नहीं, अब की बार पार एकदम। भैया ये आप कह रहे हैं कि बार बार को जो झंझट खत्म करो और इलाज है। जी क्या नाम भैया आपका? जी मेरा नाम राहुल तिब्बतिया है। राहुल तिब्बतिया जी आप क्या कहना चाहो इस पर? देखिए जैसे सभी यहाँ पर अपनी अपनी राय बता रहे हैं कि जी चाइना बार बार धोखा दे रहा है, 1962 में इसने धोखा दिया, आगे भी ऐसे ही दे रहा है, ठीक है, तो सीधा सीधा एक ही फंडा है, बाई हुक एंड बाई कुक, हमें इसे जवाब देना ही देना पड़ेगा। अच्छा, बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो ज़्यादा समस्या इससे जो चिढ़ जिस बात की हुई है चाइना को, वो इसे इस बात का दर्द हुआ कि गलवान घाटी में हिंदुस्तान ने एक अपना पुल तैयार किया है, वहाँ से क्या नाम है जो डिस्टेंस है बॉर्डर का, जो भी चीज़ें हमें पहुँचानी है, टैंक्स वगैरह जो भी है वहाँ पर इजीली, वहाँ पर क्या नाम है उसके रास्ते से वो जा सकते हैं, तो इसलिए क्या नाम है उसे ज़्यादा जलन हो रही है कि जी हिंदुस्तान इधर से मजबूत होता हुआ आ रहा है, पहले हम अपना दबदबा इधर कर लेते थे पर, लेकिन अब उसे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और जब सामने वाले को दिक्कत हो ही रही है तो फिर क्यों ना उसे जवाब दिया जाए उसी की भाषा में, बस यही इसका है और क्या कह सकते हैं। चाइना कहीं ऐसा लग रहा है कि 1962 का हिंदुस्तान समझ रहा चाइना अपनी? देखो हर व्यक्ति की हर देश की अपनी अपनी राय एक अलग होती है, अगर मैं हूँ तो मैं भी किसी सामने वाले को देखूंगा कि हाँ जी मैं हूँ, तो वो जो मैं वाला शब्द है ना उसके अंदर अपनापन कि मैं हूँ मेरे सामने कोई नहीं है, तो उसकी बहुत बड़ी भूल है, वो गलत सोच के बैठा हुआ है कि 1962 वाला हिंदुस्तान है, सब कुछ बदल चुका है, अब भारत पूर्ण रूप से चाइना को जवाब देने के लिए तैयार है। ये चाइना की जो मोदी जी ने ऐप बैन कराई भारत सरकार ने, ठीक किया ये? जी बहुत बढ़िया डिसीजन है, ठीक है, ऐप बैन कराने से खाली यहाँ पर कुछ हैं जो बच्चे वगैरह हैं थोड़े सा उनको इस चीज़ से बहुत लगाव था कि पबजी चल रहा था उनका गेम एंटरटेनमेंट हो रहा था, पर लेकिन इससे क्या है उसकी जो इकोनॉमिक पावर है, जो उसकी इकोनॉमी है वो क्या था, इधर तो भारत को अपनी तरफ क्या नाम है युद्ध के लिए चेतावनी दे रहा था,
ठीक है, इधर भारत में क्या नाम है उसके जो ऐप्स वगैरह थे उधर से उसको इनकम भी जा रही थी, तो सीधा सा फंडा मोदी जी ने ठीक किया है कि उसके पहले क्या नाम है सामने वाले को दबाने के लिए पहले उसको आर्थिक स्थिति उसकी ख़त्म करो। जब उसकी आर्थिक स्थिति टूट जाएगी यानी कि उसकी रीढ़ जो होती है एक देश की आर्थिक रीढ़ जो होती है इकोनॉमी वो उसकी डाउन हो गई है, अब वो इकोनॉमी देखे या भारत को देखेगा, तो भारत ऑलरेडी उस चीज़ के लिए बिल्कुल सक्षम है, तैयार खड़ा है। भारत हरा देगा इस बार, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, ना इस बारे में कभी सोचना है कि भारत हार जाएगा, हारने की तो स्थिति अब है ही नहीं। तो भैया ये देखिए आपने लोगों की राय, कितना गुस्सा और कितना जोश है, इनको साफ तौर पे कहना है कि अगर लड़ाई हुई तो यहाँ से हम भी चले जाएंगे। और एक भैया तो ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली में पहले ही ले चलो, हमारे गन्ना को जो काम है वो बाद में करेंगे, समझ गए। और हम भी कहना चाह रहे हैं भैया चाइना जवाब इस बार कड़ों में लेगा, क्योंकि इस बार हमारे जो फौजी हैं वो पूरे जोश में हैं, अंदर घुसेंगे और तिरंगा गाड़ेंगे वहीं पर, अगली बार अगले गाँव में जाएंगे और अगलो नया मुद्दा होगा हमारा, क्योंकि हर बार हम लेके आवे आपका जो भैया देसी रिपोर्टर है हर बार नया अंदाज लेके आवे, कभी गांव की खबर आपको दिखाएंगे, गांव में विकास हो या ना हो, आज हमने मुद्दा उठाया इंडिया चाइना का, और अगली बार कोई और मुद्दा उठाएंगे और आपसे बात करेंगे, फिर मिलेंगे, जय हिंद, राम राम। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।